नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे, ये रहा सामने हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2024, ये ब्लैक कलर का रहा, ये रहा हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक जो आपको पुराना था। इन दोनों के बीच में अब भी कंपनी ने क्या अपडेट दिया है दोनों के बीच में, डिटेल कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको गाड़ी के आगे से एक बार आपको दिखाता हूँ। दोनों गाड़ी अगर देखेंगे ना, बिल्कुल आपको सेम टू सेम लगेगा, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस जो आपको इसमें मिलने वाला है इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, इस गाड़ी का अगर ऑन रोड की बात करेंगे और एक्सोरम की बात करेंगे तो दोनों गाड़ी सेम टू सेम प्राइस में मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट वाला प्रोफाइल में। दोनों गाड़ी के इसमें आप भाईना में पहले बता दूं, इसमें कनेक्शन नहीं है, तो आप बाकी दोनों में सेम है। यहाँ पे आपको LED का बैचिंग किया हुआ मिलेगा, सेम चीज़ यहाँ पे LED का मिलेगा। बीच में आपको DRL मिलने वाला है, दोनों ब्लिंकर आपको बल्ब का मिलेगा। स्प्लिट वाले हेडलैम्प मिलेगा, इसमें भी मिलने वाला है। ऊपर आपको ये लोगो मिलेगा, इसमें भी आपको हीरो का लोगो मिलेगा। ये ऑयल टैंक की तरफ लेके चलेंगे तो आपको दोनों लगभग सेम ग्राफिक्स के साथ आपको मिलने वाला है। ये देखिए, और 3D में आपको मिलने वाला है, जो भी यहाँ पे आपको सेम चीज़ मिलने वाला है। यूटिलिटी बॉक्स के ऊपर यहाँ पे देखो क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI करके वेजिंग किया हुआ मिलेगा। सेम चीज़ हम इसमें पुराने में देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। E20 सपोर्टेड, दोनों में आपको 12 लीटर के ऑयल टैंक मिलेगा। दोनों के डिजिटल कंसोल की बात करेंगे तो बिल्कुल डिटो सेम टू सेम मिलने वाला है भाई। एक बार मैं इसमें दिखा देता हूँ, जैसे आप चाबी ऑन करेंगे ना, जैसे जैसे इग्निशन ऑन किया भाई, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिस कॉल अलर्ट, कॉल अलर्ट और मोबाइल का बैटरी भी दिखाई देगा। जैसे मैं आपको ये देखो, ये देखिए नीचे आपको बैटरी का साइन भी आ रहा है। और इस सबसे टॉप में आपको साइड स्टैंड वाला इंडिकेटर, यहाँ पे आपको टर्निंग लाइट वाला इंडिकेटर, यहाँ पे आपको इंजन वार्निंग वाला साइन, और इस साइड में आपको ट्रिप है। यहाँ पे एक नोचेस है, एक मोड वाला बटन दिया गया, जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये ट्रिप है, ट्रिप भी, और कितना किलोमीटर गाड़ी रन किया, ये सारे चीज़ें आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। ऊपर आप ये क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाला है, जो आपको हीरो स्पेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल में जो आप कंसोल यूज किया गया, सेम चीज़ यहाँ पे यूज किया गया। इसके नीचे आएंगे तो आपको ये है USB पोर्ट, इन केस आपको इन इमरजेंसी आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें देखेंगे तो बिल्कुल डिटो सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मेन चेंजेस है, सबसे पहले मैं पुराने दिखाता हूँ, फिर आपको कंपेयर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा। इसके ऑल टैंक के ऊपर एक्सपीरियंस दो केयर था, यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर था और ये आपको स्कैन वाला कोड था। जैसे कि आपको इन केस ऑफ क्वैक एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारे चीज़ें आप इसमें शेयर कर सकते थे। बट अब भी आप जो है आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2024 मॉडल में यहाँ पे इसका स्टिकर चेंज किया गया भाई। देखो हीरो ऐप करके लिखा, हीरो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इसको स्कैन करके फिर सारे जो गाड़ी का जो फीचर है ना, आप उसमें आपको पता चल पाएगा। जिंक क्या मिलेगा, सर्विस इंटरवल एवरी 6000 किलोमीटर चलाएंगे या 6 महीने के अंदर आप गाड़ी को एक बार सर्विस करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया। आप उसमें सबसे जो भारी चेंजेस जो है ना भाई, अभी मैं दिखाने आपको जा रहा हूँ इसका इंजन में। मेन है इसका इंजन के, जो आपको मैं पहले आपको पुराने को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे ना तो दोनों को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे आप पुराने वाला था ना, यहाँ पे अकेला सिंगल यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे खोलेंगे ना, इसके अंदर आप इंजन डाल सकते थे। यहाँ पे आपको चेक करने का कोई चीज़ें नहीं था कि इसके अंदर हमें पता नहीं चल पाता ना भाई कि गाड़ी कितना चला, कितना ख़राब हो रहा है, इसका इंजन ऑयल ठीक है या नहीं है। तो ये को आधार करते हुए एड वाला वर्सन है ना भाई, ये रहा देखो यहाँ पे आपको, ये देखो मैक्सिमम और मिनिमम, और यहाँ पे एक ग्लास कलर का मिरर लगा हुआ है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये जो इंजन ऑयल का, इसका कलर आप देख सकते हैं, इसे लाल हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना, तो यहाँ पे पता चल पाएगा कि हमें ये इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम हो गया, तो आपको चेंज कर सकते हैं। और इसका जो आपको इनलेट था ये ऊपर है, उसमें थोड़ा नीचे था, इसमें आपको ऊपर किया गया है। यहाँ पे नट बोल्ट है, इसको आप खोलेंगे ना तो फिर एग्जैक्टली आपको पता चल पाएगा ये इसके अंदर आपका जो इंजन है ठीक या नहीं है। बाकी अगर आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में पावर स्टार्ट, साथ में आपको किक स्टार्ट, दोनों में सेम चीज़ मिल रहा है। और भारी चेंजेस मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी दोनों में कोई मिलने वाला नहीं है। अगर टेल वाला पोर्शन देखेंगे तो दोनों में सेम टू सेम मिलने वाला है आपको। हेलोजन का यहाँ पे टेल लैंप मिलने वाला है, दोनों बल्ब जो आपको इंडिकेटर वाला ये भी आपको हेलोजन का मिलेगा, एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, और पीछे आपको हगर गार्ड जो है आपको मड गार्ड है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का आपको मिलने वाला, इतना जल्दी टूटने वाला है नहीं। तो इस गाड़ी की अगर एक्सोरम की बात करेंगे, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ ये गाड़ी दोनों ऑन रोड और आपको एक्सोरम दोनों आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। एक्सोरम की बात करेंगे तो 86,478
रुपीज़ में ये गाड़ी मिलने वाला है। ऑन रोड में कोलकाता में स्पेशली बता रहा हूँ 1,06,053 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको मिलने वाला है। अगर डाउन पेमेंट की सोच रहे होंगे तो 15,000 से लेकर 20,000 देखे ये दोनों गाड़ी आप ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है, बस इंजन का थोड़ा बहुत फर्क है भाई। करेंगे तो दोनों गाड़ी में लॉन्ग सीट मिलना है, फॉर्म की बात करेंगे, कुशनिंग की बात करेंगे या कम्फर्ट जोन की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सीट किया गया है। अनऑफिशियल में बोल रहा हूँ, इससे इतना लॉन्ग सीट है 3 से 4 बंदे आराम से इस गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। बट ऑफिशियली लीगली जो है ना भाई, ये इसमें 2 के लिए बंदे के लिए है। बाकी इसका सीट हाइट की बात करेंगे तो 799 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलेगा। कर्व वेट की बात करेंगे तो 122 kg की ये गाड़ी आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात करते हैं इस गाड़ी का माइलेज। माइलेज अगर आपको एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ सिटी और हाईवे में, बाकी आप गाड़ी को कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसका इंजन ऑयल कैसे चेंज कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर बहुत फैक्टर यूज होता है माइलेज के लिए। एवरेज की बात करूँ तो 50 से लेकर 55 तक सिटी और हाईवे में आपको माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी। आप लोग को ये नया और पुराना सुपर स्प्लेंडर का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।